जो आपको बताया था 999, उसमें मैंने एक ट्रिक फिर आपको छोड़ दिया था, मना कर दिया था, क्योंकि मैंने कहा था कि पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। तो आज हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे, पहले उसी को स्टार्ट करेंगे। कल एक क्वेश्चन मैंने आयुष से पूछा था, 73 × 99, उसका शायद आयुष ने आंसर गलत दे दिया था। एक्चुअली में उसका आंसर 7227 आएगा, तो जल्दबाजी में मैं उसको चेक नहीं कर पाया, और लेकिन उसका आंसर जो है एग्जैक्ट 7227 है। तो आज हम वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं जहाँ से एक गलत हुआ था आयुष का आंसर। तो कल मैंने आपको जो कंडीशनल मल्टीप्लिकेशन बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था 199 वाला, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। 47 × 99, ये हमारा था क्वेश्चन एक। तो इसको कैसे करना, मैंने आपका इसको क्या ट्रिक बताया था कि आपने 47 में से 1 माइनस करना है, 46 हो जाएगा। और फिर आपने क्या करना है, दो प्लेसेस और फिल करनी है। 9 में से आपको 4 माइनस करना है, 5 आ जाएगा। और फिर 9 में से आपको 6 माइनस करना है, 3 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। फिर जो आयुष से क्वेश्चन पूछा गया था वो था 73 × 99, तो उसमें थोड़ी सी इसने गड़बड़ की थी। तो 73 − 1 72 था, एक 1 माइनस करके हमारा 72 आ गया था। और फिर हमें दो प्लेसेस और फिल करनी थी, 9 − 7 2 एंड 9 − 2 7। तो आई थिंक इसने 7226 बोल दिया था। चलिए जी, इसमें फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया था शायद से 786 × 999 वाला। तो इसमें 786 में से 1 माइनस करेंगे, 785। फिर आपको तीन प्लेसेस और फिल करनी है, तो उसमें 9 − 7 2 हो जाएगा, 9 − 8 1 हो जाएगा, और 9 − 1 जो है वो 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 785214। नेक्स्ट क्वेश्चन था 8546, और इसको हमें 9 9 9 से मल्टीप्लाई करना था, टेट्रा 9 से। तो ये बन जाएगा हमारा 8545, और फिर फोर प्लेसेस हैं। तो 8 − 9 − 8 1, 9 − 5 4। मैं अभी आपको आयुष की मिस्टेक भी बताऊंगा, आयुष ने क्या मिस्टेक की थी। 9 − 5 4, फिर 9 − 4 5, फिर 9 − 5 4। आयुष ने क्या किया कि आयुष ने ये 3 माइनस कर दिया था 9 में से, इसीलिए प्रैक्टिस के लिए बोला जाता है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कर रहा था तो इसलिए मिस्टेक हो गई। आपने उन नंबर्स को माइनस नहीं करना, आपने इन डिजिट्स को माइनस करना है। अगर ये 9 − 2 करता तो इसका आंसर सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था 9 9 9 9, 9999, 9999। तो इसमें पहले चार डिजिट पे आ जाएंगे 9998, और फिर 0 0 0 एंड 1। और फिर मैंने आपको बोला था 1740, यहां पे कर देता हूं ऊपर 17, जस्ट छोटा नंबर ले लेते हैं, 74 ही ले लेते हैं खाली, 7440 × 9999। सेम आपको वैसे ही करना है, 7439, फिर 9 − 7 2, 9 − 4 5, 9 − 3 6, और लास्ट में 9 − 9 0। नेक्स्ट मैंने आपको जहाँ मना किया था वो था 5 6 3 2 3, और यहाँ पे था 9 9, ये 5 टाइम ही है। चलो आपको ये डिजिट्स का ध्यान रखना है, जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो जिस नंबर से, और 9 के डिजिट अगर सेम है तो कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे तो सेम ही है, तो ये तो वैसे ही हो जाएगा 5 6 3 2 2, और फिर 9 − 5 4, 9 − 6 3, 9 − 3 6, 9 − 2 7 एंड फिर 7। फिर है 72 × 99, 999। अभी ये क्वेश्चन डिफरेंट हो गया, अब यहां पे क्या है
जिस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है 999 को, वो जो है 2 डिजिट नंबर है, और जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 999 से, वो 3 डिजिट है। तो कोई इश्यू नहीं है इसमें। एक छोटा सा ट्रिक और है, चेंज है, वो आपने करना है। पहले आपने वैसे ही करना है 72 - 171। अब आपने देखना है कि कितने डिजिट का डिफरेंस है दोनों में। इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, तो 1 डिजिट का डिफरेंस है। 1 9 आपने मिडिल में प्लेस कर देना है, और बाकी फिर वैसे ही करना है। 9 - 7 2, 9 - 7 2, 9 - 7 2, और फिर 9 - 1 8। ये हमारा आंसर आ जाएगा 71928। और इसका एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। 736, 736 इंटू 9999। अभी यहां पे भी देखो, 3 डिजिट वर्सेस 4 डिजिट। आपको क्या करना है, पहले 736 में से 1 माइनस करना है 735, फिर एक 9, कितने डिजिट का डिफरेंस है 1 का, तो 1 9 प्लेस कर देना आपको, और फिर बाकी वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना है। 9 में से 7 माइनस करना है 9 में से 3, 9 में से 5, तो ये बन जाएगा 2 6 एंड 4। तो आंसर आ जाएगा 735926 4। और देख लेते हैं इसका, 845 इंटू, अब 9 जो है मैं 5 टाइम लिख दूंगा, पेंटा 9 हो गया ये। अभी 844 आपको वैसे लिखना है, कितने डिजिट का डिफरेंस है 2 का, इधर 3 डिजिट्स हैं और इधर 5 डिजिट्स हैं, तो आपने 2 9 प्लेस करने हैं बीच में, और फिर उसके बाद वही 9 से सब्ट्रैक्शन वाला रूल, 9 - 8 1, 9 - 4 5 एंड 9 - 4 5। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 3865 बड़ा नंबर ले लिया मैंने, और यहाँ पे जो है 5 मैंने 9 ले लिए, पेंटा 9, और अभी 3864 एक 9 आपको प्लेस करना है, क्योंकि डिजिट का डिफरेंस जो है 1 है, 4 वर्सेस 5 है। 3865 5 डिजिट है, और ये बन जाएगा 3864, और 1 डिजिट का डिफरेंस है तो 9 एक प्लेस कर देंगे, और फिर 9 - 3 6, 9 - 8 1, 9 - 6 3 और 9 - 4 5। ये हमारा आंसर आ जाएगा 3864961 3 5। ठीक है जी, ये कल का ट्रिक मैंने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने एक पार्ट छोड़ दिया था। वो इसलिए छोड़ा था कि पहले आपको एक टाइप की प्रैक्टिस हो जाए, फिर जो है हम वो सेकंड टाइप वाला कर लेंगे। तो अभी हम आगे मूव करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा 25 अगर स्पेसिफिकली आ जाए, अभी थोड़ा सा एक रह गया था, ये भी कल 25 वाला टाइम की वजह से, तो ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। अगर स्पेसिफिकली आपको 25 से करना है तो कैसे होगा, मल्टीप्लीकेशन विद 25, कल मैंने आपको एक 5 वाला करवाया था, उसमें हाफ किया था हमने। यहाँ पे आपको 1/4 करना है। जैसे पहला नंबर है 36 * 25, आपको क्या करना है, इस 36 का 1/4 करना है, यानी 4 से डिवाइड करना है। ये हो जाएगा 9, और साथ में 2 जीरोस प्लेस कर देनी है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे और बड़ा नंबर ले लेता हूँ, 128 * 25, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 3200 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। 4 से डिवाइड करके 32 आता है, और साथ में हमने 2 जीरोस और प्लेस कर दी तो 3200। और बड़ा नंबर ले लेता हूँ मैं, 168 * 25, अभी इसको डिवाइड करेंगे 42 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 168 को, और 2 जीरोस हम साथ में प्लेस कर देंगे 4200। एक और बड़ा नंबर ले लेता हूँ, 244 * 25, अब यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे 61 आएगा, और साथ में फिर हम 2 जीरोस और प्लेस कर देंगे। अभी आप बोलोगे सर आपने तो ऐसे नंबर लिए हैं जो ऑलरेडी 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं और आपको ऐसे को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो थोड़ा सा इसमें जो है कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी।
इसमें आपने क्या करना है, 80 ले लेना है, ऊपर वाले 2 छोड़ देने हैं, और फिर आपको क्या करना है, 80 का 1/4 किया आपने डिवाइड, 4 से डिवाइड किया यानी 1/4 किया उसका, तो 20 आ गया, 2 जीरोज लगा दी, फिर आपने कितना छोड़ा था, 2, 2 इंटू 25 कर लो 50, तो आपको इसमें 50 ऐड करना है, तो ये बन जाएगा 2050 जो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर आपका नंबर ऑड है या वो 4 से डिविजिबल नहीं है तब आपने ऐसे करना है, ठीक है जी। अभी ये कल कंडीशनल वाला था, एक और जो हमारे पास बचा था, तो अभी मैं आपको जो है बताऊंगा 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन कैसे हमें करनी है, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। पहले 2 की सीखते हैं फिर 3 की सीखेंगे, ठीक है जी। पहले 2 की सीख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट, क्योंकि दोनों का थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट है इसलिए दोनों को अलग अलग करेंगे। मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट्स, जब हमारे पास 2 डिजिट्स नंबर आएंगे तो हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है उसको शॉर्टेस्ट वे में। हाँ जी, पहला नंबर मैं ले रहा हूँ 24 into 32, 24 into 32 ये हमारा नंबर है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आप ऐसे करें कि आप इसको ऐसे लिख लें इस वे में। अब आपने क्या करना है, इन नंबर्स को लास्ट वाले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 8, और फिर आपने क्या करना है, इनको ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है। 12 + 4 कितना हो जाएगा, 16, और फिर लास्ट वाले इन नंबर्स को ऐड करना है 6। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है। इसका वैसे मैं आपको एक और भी मेथड बता दूंगा। ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पे जो है एक ही डिजिट रखना है, तो एक यहाँ पे कैरी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8, एक मिनट वेट कर रही है जरा। इसका मैं आपको और भी वे बता देता हूं। हाँ जी, हमने पहले 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, फिर आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ये 16 आ गया, और फिर इनको मल्टीप्लाई करना है 7। अब यहाँ पे आपको सिंगल डिजिट रखना है, इस 1 को आपने इधर कैरी करना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 768। अभी एक दो क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा, अभी मैं सेकेंड क्वेश्चन लेता हूँ उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है 84 into 822। अभी लास्ट के 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करो, 8 आ गया, फिर आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है क्रॉस 16 और 8, 24। इसमें थोड़ा सा आपको जो है आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, तभी आप जो ये ट्रिक अप्लाई करोगे। फिर 8 2 या 16, जैसे मैंने आपको बताया ये 2 इधर कैरी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8 1 8 4 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक और ले लेता हूं मैं, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन में क्लियर होगा आपको ये कॉन्सेप्ट। 49 into 18, 49 into 18, इसमें भी हम ऐसे करेंगे 9 8 = 72। अभी यहाँ पे देखो सिंगल सिंगल डिजिट नंबर आते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, सिंगल डिजिट आ रहा था, यहाँ पे भी सिंगल आ रहा था, यहाँ पे डबल आ रहा था। जहां पे डबल आएगा वहां पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 32 + 9, अलग से करके देख सकते हो आप, 41 आ जाएगा, वो आप यहाँ पे लिख दो, और फिर लास्ट में 4 into 1 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो पहले आपको ये 7 यहाँ पे कैरी करना है, तो बन जाएगा 2, और इधर बन जाएगा 48, और फिर आपको ये 4 जो है वो इधर कैरी करना है 4 के साथ, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 8
82। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन में आपको प्रोसेस लंबा लगेगा, फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा। वैसे मैं आपको इसका भी और दूसरा मेथड भी बताने वाला हूँ, 63 × 65। इसको भी आप वैसे लिख लो, 63 और 65 को। थोड़ा सा मैं इनको खोल के लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 63, 65, आपने पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है 15, फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 30, इसको किया 18, 48 हो गया, और फिर आपको इनको मल्टीप्लाई करना है 36। यहाँ से 1 कैरी करना है आपको, ये बन जाएगा 49, और यहाँ बन जाएगा 5, और इधर 36 है, फिर आपको यहाँ से 4 कैरी करना है, तो ये बन जाएगा 4095। और इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट है 35 × 19, 3519। सेम ऐसे ही 45 आ गया यहाँ पे, फिर आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 27 + 5 = 32, और लास्ट वाले डिजिट को किया 3। ये 4 इधर कैरी हो जाएगा 5, और ये बन जाएगा 36, और फिर यहाँ पे ये 3 जो है इधर कैरी हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर जो है ये 3 इसमें कैरी हो जाएगा, 665 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मैं इसका एक और ट्रिक बता देता हूँ आपको, पहले मैं इसके कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा और फिर मैं इसका एक और ट्रिक बता देता हूँ। जैक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको ये ट्रिक भी अच्छे से आ जाए, और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 × 74। आपने इनको मल्टीप्लाई किया दोनों डिजिट्स को, 28 आ गया, फिर आपने इनको मल्टीप्लाई करना है 49, और ये हो गया 49 और 16, 65, फिर आपने इनको मल्टीप्लाई करना है लास्ट वाले डिजिट्स को, पहले ऐसे किया था मैंने, अब इसको करेंगे 28। अब आपने कैरी करना है, ये 2 इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा, यहाँ बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 67 बन जाएगा, ये ऐड करना है, कैरी को ऐड करना है उधर दूसरी साइड, फिर 6 को इधर कैरी करना है, 3478 ये हमारा आंसर आ जाएगा। और कर लेते हैं क्वेश्चन 1927, छोटे नंबर में कर देता हूँ मैं। इनको मल्टीप्लाई किया 63, इनको मल्टीप्लाई किया 1 × 7 = 7, 2 × 9 = 18, 25 आ गया, और इधर 1 को 2 से किया 2 आ गया, फिर आपने 6 को इधर कैरी करना है, ये बन जाएगा 3, और ये बन जाएगा 31, और फिर ये बच जाएगा 2, फिर आपको 3 कैरी करना है इधर, 2 + 3 = 5, इधर 1 बच गया, इधर 3, 513 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। और कर लेते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी सी इसकी हो जाएगी आपको, 54 × 62, 4 × 2 = 8, फिर इधर 10, 24, 34 आ जाएगा, और इधर 30। अभी आपको लास्ट डिजिट में से हो तो कैरी करने की जरूरत नहीं, वो सिंगल डिजिट ही बचा आपके पास। अब यहां से हम जो है 3 कैरी कर देंगे, ये इधर चला जाएगा, डबल 3 48 हमारा आंसर आ जाएगा। एक और कर लेते हैं, चलो एक और मेथड मैं आपको इसका बताता हूं, उससे भी आप कर सकते हो। कोई क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, ट्वेंटी फोर इंटू 32 वाला ले लेता हूं, जो स्टार्टिंग में किया था, 24 × 32, इसको ले लेता हूं। आपने पहले वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है, इनको 2 × 3 = 6 लिख दिया आपने, फिर दूसरे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है 4 × 2, ये आपने यहां पर लिख देना है ऐसे 6 और 8। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट के दो नंबर उठाने हैं, ये वाले, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको अलग से कर लो 4, और बीच वाले दो नंबर उठाने हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है,
16, यहां पे आपको हमेशा जो है 08 डाल के लिखना है, नहीं तो ये आपका आंसर नहीं आएगा। ये आ गया 16 और फिर आपको यहां पे 16 ऐसे ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 8, यहां पे 0 डालनी है खुद से, हमेशा 0 डालनी है यहां पे 6 और 768, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उस वाले मेथड से भी सेम आया था, आप ऊपर जाकर चेक कर सकते हो। इसका भी मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ। 768 यहाँ पे आंसर था, ये वाला कर लेते हैं एक और। 84 × 22, 84 × 22, ध्यान से देखो मैंने क्या बताया आपको, पहले वाले नंबर को पहले वाले नंबर से करना है, 16 आ गया। दूसरे वाले नंबर को दूसरे वाले से करना है, 8 आ गया, 08 लिखना है आपने। उसके बाद लास्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 16, बीच वाले नंबर को बीच वाले नंबर से करना है, 24, और इसको आपने ऐड कर लेना है, ये 40 हो गया। अब आपने इसको ऐड करना है यहाँ पे, नंबर क्या था हमारा, 84 × 22, 16 और 4 × 8, 16, और यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पे 8 आएगा, ये 24 होगा, और फिर यहाँ पे 24 आपको ऐड करना है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 1848। अभी और कर देता हूँ इसका क्वेश्चन एक, 49 × 18 देख लो, आप कोई भी मेथड फॉलो कर लो, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा, 49 × 18। इसको आप ऐसे इसी वे में लिखो तो ज्यादा बेटर है, पहले वाले नंबर को पहले वाले नंबर से करो, लास्ट वाले नंबर को लास्ट वाले से करो, 72, फिर फर्स्ट और लास्ट को करना है 32, फिर फर्स्ट और सॉरी मिडिल वालों को करना है 09, ये बन जाएगा 41, 4 यहाँ रखना है आपने और 1 यहाँ पे रखना है और ऐड कर देना है, 2, 8 और 8, 882। आप अपना आंसर ऊपर से वेरीफाई भी कर सकते हो, यहाँ पे भी देखो 882 ही आ रहा था। तो इन दोनों मेथड की आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हालांकि ये इजी मेथड है लेकिन प्रैक्टिस है। इसका मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, 47 × 74 कर देता हूँ, दोबारा से देख लो, पहले फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया 28, फिर सेकंड को सेकंड से किया, ये भी 28 आ गया, फिर लास्ट वालों को करना है 4 × 4, 16, फिर 7 × 7, 49, फिर इनको ऐड करोगे आप, ये 65 बन जाएगा, 6 यहाँ लिखना है, 5 यहाँ पे लिखना है, फिर आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 78 3478। इसका भी आप आंसर ऊपर से जाकर वेरीफाई कर सकते हो, ये अभी किया था हमने यहाँ पे 3478, यहाँ पे भी आंसर यही आ रहा है। तो इस तरीके से आप किसी मेथड से फॉलो कर सकते हो, जो आपको इजी लगता है उससे आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, और दो चार क्वेश्चन करने के बाद ये आपको अच्छे से आ जाएगा। हाँ जी, मल्टीप्लीकेशन की एक और, चलो मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देता हूँ आपको, 64 × 19 बहुत सारे दे देता हूँ, 15 × 23 आप दोनों मेथड में से किसी से भी ट्राई कर लेना, 34 × 25, 27 × 27, 23 × 27, 34 × 36, 56 × 54, इन सब मेथड से आप कर सकते हो, 67 × 63, 78, 72, 89, 81, आप जैसे 89, 81 है इसका मेथड, कल भी आपको एक मेथड बताया था, आप उससे भी कर सकते हो, 92 × 98, ये कंडीशनल थे लेकिन आप इनको बिना कंडीशन के जैसे मैंने आज आपको करवाया ऐसे भी करोगे तो सेम आंसर आएगा। चलिए अनदर ट्रिक फॉर मैथमेटिक्स, पर्टिकुलरली फॉर 3-digit number, ठीक है जी, बड़ा यूजफुल ट्रिक है ये। ये ट्रिक जो है मेनली 100, 200 के आसपास जो नंबर होते हैं उनके लिए है,
यू कैन से 80 to 120 के बीच में जो नंबर होंगे उनके लिए बड़ा यूजफुल ट्रिक है, लेकिन मैं आपको थ्री डिजिट की एक और अभी ट्रिक सिखाने वाला हूँ, तो पहले इसको हम कर लेते हैं। अभी मैं नंबर ले रहा हूँ 107 और 104, दोनों नंबर 100 के आसपास हैं। ऐसा नहीं है कि ये ट्रिक बाकी नंबर्स में काम नहीं करती, बाकी नंबर्स में ही काम करती है, लेकिन उसमें आपकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाती है, तो इसलिए जो है हमने इसको लिमिटेड कर दिया 80 to 120 के बीच में। बाकी थ्री डिजिट की एक मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, वो चाहे आप 1000 तक अप्लाई कर लेना, उसमें सबके आपके आंसर निकल आएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट। इसमें क्या करना है आपको देखना है कि जो 707 है वो 100 से कितना ज्यादा है, वो 7 ज्यादा है। अगर कम होगा तो माइनस लिखना है, अगर ज्यादा होगा तो प्लस लिखना है। ये कितना ज्यादा है, प्लस 4 ज्यादा है। ये आपने चेक कर लिया कि ये नंबर कितना ज्यादा है एक दूसरे से, फिर आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। 7 × 4 = 28 हो गया। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना। अभी आपने क्या करना है, ऐड करना है, चाहे इसको इसमें ऐड कर दो, क्रॉस में ऐड करना है, चाहे इसको इसमें ऐड कर दो, दोनों साइड से आंसर आपका सेम आएगा। 104 में 7 ऐड किया मैंने, ये बन गया 111, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 111 28। 111 28 ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, 103 × 102, ये भी 100 के आसपास के नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। मैं देखूंगा कि 103 100 से कितना ज्यादा है, 3, 2 कितना ज्यादा है, 2, और फिर पहले मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा 3 × 2 = 6। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इनको, मेरे को टू डिजिट की फॉर्म में लिखना है, यानी कि मैं 6 नहीं ले सकता, मैं 06 लिखूंगा इसको। फिर मैं क्रॉस में ऐड कर दूंगा इसको, अभी मैंने बताया 102 + 3 कितना होता है, चाहे ऐसे ऐड कर लो, 103 + 2 भी सेम होगा 105, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 10506। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 96 × 94, यहाँ पे क्या है कि नंबर मैंने 100 से छोटे ले लिए। अब ये 100 से कितना कम है, 4, माइनस 4 लिख दिया। ये कितना कम है, 6, तो माइनस 6 लिख दिया। और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 24 आ गया। अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 94 - 4 = 90। आप चाहो तो 96 - 6 भी कर सकते हो, सेम नंबर आएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 9024। नेक्स्ट, 97 × 92, एक और नंबर मैंने ले लिया जो 100 के आसपास ही था। ये कितना कम है, 100 से -3, ये कितना कम है, -8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 24। अब 97 - 8 कर दो 89, या 92 - 3 कर दो 89, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 8924। नेक्स्ट, 97 × 92 के बाद मैं एक और ले लेता हूं, 115 × 104, ये कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, और इधर ये बन जाएगा 119, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11960। और देख लेते हैं ऐसा एक क्वेश्चन, एक ऐसा करता हूं जिसमें एक नंबर बड़ा और एक छोटा है, ये वाला उठा लेते हैं, 97 × 104। पहले हमने ऐसे लिए थे जिनमें दोनों नंबर या तो 100 से बड़े थे या दोनों नंबर 100 से कम थे। अभी आपको क्या करना है, ये कितना कम है, -3, ये कितना ज्यादा है, 4। आपने जब इनको मल्टीप्लाई करना है, अभी थोड़ा सा ट्रिक चेंज हो जाएगा, यहाँ पे -12 लिखना है, और इनको आप जब ऐड करोगे 104 - 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास, एक मिनट वेट करना जरा, हाँ जी, ये हमारे पास आ जाएगा 101। और जब आपने यहां पे आंसर लिखना है अपना, आपने इसको 12 को 100 में से माइनस करके लिखना है 88, ये आंसर आ जाएगा। तो जब एक नंबर छोटा होगा एक बड़ा होगा, ये बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट, 97 × 94, दोनों नंबर मैंने छोटे ले लिए, यहां पे -3, यहां पे -6, और जब मल्टीप्लाई करोगे ये 18 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 91,
हमारा आंसर आ जाएगा 9118। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 89 × 87, तो यहाँ पे कितना कम है, -11, ये कितना कम है, -13, मल्टीप्लाई करेंगे 143। यहाँ पे भी देखो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, अभी 11 और 13 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 3 डिजिट में चला गया, 143, हमें यहाँ पे दो ही डिजिट रखने होते हैं, तो जैसे आप ऊपर देख रहे हो दो ही डिजिट रख रहे थे, अगर ज्यादा आएगा तो हमें उधर कैरी करना पड़ेगा। अब 87 - 11 76 हो गया, और एक वन हमें जो है वो कैरी करना पड़ेगा, ये वन इधर लेके जाकर ऐड करना पड़ेगा, तो 7743 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, एक तो जब एक नंबर छोटा हो और एक बड़ा हो वहां पे एक स्पेशल पॉइंट है, और एक दूसरा जब हमारी मल्टीप्लिकेशन दो है डिजिट्स की वो 2 डिजिट से एक्सीड कर जाए तब। इसकी मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिस और करवा देता हूं। वन जीरो 84 × 85 ले लेते हैं एक नंबर, 84 × 85, तो इसमें क्या होगा, -6 16 और यहाँ पे -15। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 240, 16 × 15 कितना आएगा, 240। अब हम ये कैरी करना पड़ेगा, अभी हम माइनस करेंगे 85 - 16 और फिर 2 हमें कैरी करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 69 और 2 कैरी करके लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 7140। तो ये ध्यान रखना है आपको इन क्वेश्चन के अंदर। चलो आपको मैं कुछ क्वेश्चन और दे देता हूं जिनमें आपको क्या है प्रैक्टिस करनी है, तो क्वेश्चन लिख लो आप, 109 × 108, 108 × 96, 115 × 91, 124 × 93। हाँ जी, अब हम करेंगे नेक्स्ट स्क्वेयर वाली। मैंने आपको कल बताया था कि हम स्क्वेयर वाले क्वेश्चन भी करेंगे, तो अभी हम स्क्वेयर वाले स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए जितने क्वेश्चन हैं, 109 × 96, इनमें एक नंबर छोटा है और एक बड़ा है, इसका मैं आपको अभी एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। यहां पे भी देखिए एक थोड़ी सी मिस्टेक मैंने की हुई है, ये देखो जब मैंने यहां पे 100 में से माइनस करना है, मेरे को यहां से वन नंबर सब्ट्रैक्ट भी करना है, ये मैंने नहीं किया हुआ, तो यहां पे 0 आएगी। चलो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एक और करवा देता हूं, 124 × 93 वाला ही कर लेते हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, थोड़ा नंबर भी बड़ा है तो आपको पता चल जाएगा, ये कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है, ये कितना कम है, ये 7 कम है, मल्टीप्लाई करेंगे 24 और -7 का तो ये हो जाएगा -168, ये टोटली डिफरेंट नंबर आ गया देखिए, और जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 117। अभी यहाँ पे 3 डिजिट नंबर आ गया, तो मेरे को क्या करना है, 200 में से माइनस करना है, तो मैं 200 में से 168 माइनस करूंगा तो ये 32 आ जाएगा, और यहां से मेरे को 2 नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 1 नंबर सब्ट्रैक्ट किया 100 में से, यहाँ पे मेरे को 2 करने हैं क्योंकि मैंने 200 में से माइनस किया है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया पॉइंट द्वारा से, एक नंबर छोटा होता है या एक सॉरी जब यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है तब आपको कैसे करना है, तो इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करो, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ लेना। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं, स्क्वेयर्स की तरफ बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला पोर्शन मैंने आपको करवा दिया, 2 डिजिट कैसे होते हैं और उसके बाद 3 डिजिट कैसे होते हैं। एक मिनट वेट करना,
एक थ्री डिजिट का और ट्रिक मैं बताता हूँ, वो बड़ा यूजफुल है, वो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। उसमें आप जितना मर्जी बड़ा नंबर कैलकुलेट कर लेना, ये एक ट्रिक और है थ्री डिजिट्स की, ये बड़ी यूजफुल है। वन जीरो फाइव चलो ये मैं स्क्वेयर में कवर कर दूंगा, ठीक है। आपको अलग से नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, जितने सिखाए उतने कर लो, ज्यादा मेथड्स में भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है जी। अभी हम स्क्वेयर की तरफ ही चलते हैं। स्क्वेयर्स हाँ जी, कल मैंने आपको बोला था कि आपको 1 to 30 तक तो स्क्वेयर याद होने चाहिए, और मैंने आपको वो स्क्वेयर्स यहाँ पे लिखकर भी दिखाए थे स्क्रीन के ऊपर। आज मैं आपको और आसान काम कर दूंगा आपके लिए कि आपको 30 तक याद नहीं करने, बल्कि 30 तक कैसे फॉर्म करने हैं वो बता देता हूँ। पहले हमें पता है वन स्क्वेयर जो है वो वन होता है, फिर टू स्क्वेयर कितना होता है फोर। आपको बस 10 तक याद रखने हैं, बाकी जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो बहुत इजीली, वो वही वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थ्री स्क्वेयर 9, फोर स्क्वेयर 16, फाइव स्क्वेयर 25, सिक्स स्क्वेयर 36, सेवन स्क्वेयर 49, एट स्क्वेयर 64, नाइन स्क्वेयर 81, टेन स्क्वेयर 100। हाँ जी, अभी आपको क्या करना है, इसमें 120 ऐड करना है, ये बन जाएगा 121। इसमें आपको 140 ऐड करना है, ये बन जाएगा 144। हर बारी आपको 20 बढ़ाकर ऐड करना है, यहाँ पे 160, ये बन जाएगा 169। फिर 180 ऐड करना है, ये बन जाएगा 196। फिर आपको 200 ऐड करना है, ये बन जाएगा 225। फिर आपको 220 ऐड करना है, ये बन जाएगा 256। फिर आपको 240 ऐड करना है, ये बन जाएगा 289। फिर आपको 260 ऐड करना है, ये बन जाएगा 324। हर बारी मैंने 20 जो है इंक्रीज कर दिया, फिर 280 ऐड करना है आपको, ये बन जाएगा 361। फिर आपको 300 ऐड करना है, ये आपके पास बन जाएगा 400। ये 11 का स्क्वेयर होता है, ये 12 का स्क्वेयर होता है, ये 13 का होता है, ये 14 का होता है, ये 15 का होता है, ये 16, 17, 18, 19, 20। पहले 10 का याद कर लो और उसके बाद आप इसमें ऐड करके जो है उनको कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपको 20 तक पता चल गया, आप चाहते हो कि आप 21 से भी आगे करना है आपको। आप इसमें आपने कितना ऐड किया पहले, 300, लास्ट कितना ऐड किया था 300, अब आप इसमें 320 ऐड कर दो, फिर 20 बढ़ाकर ही ऐड करना है, ये बन जाएगा 441। ये 21 का स्क्वेयर होता है। फिर आपको 340 ऐड करना है, ये बन जाएगा 484। ये 22 का स्क्वेयर होता है। फिर आपको 360 ऐड करना है, ये बन जाएगा 529। ये 23 का स्क्वेयर है। फिर आपको 380 ऐड करना है, ये बन जाएगा 576। ये 24 का स्क्वेयर है। फिर आपको 400 ऐड करना है, ये बन जाएगा 625, जो कि 25 का स्क्वेयर होता है। फिर आपको 420 ऐड करना है, ये बन जाएगा 676, 26 का स्क्वेयर। फिर आपको 440 ऐड करना है, ये बन जाएगा 729, 27 का स्क्वेयर होता है। फिर आपको 460 ऐड करना है, 784, 28 का स्क्वेयर होता है। फिर आपको 480 ऐड करना है,
29 का स्क्वायर होता है, फिर आपको 500 ऐड करना है, 900 आ गया जो कि 30 का स्क्वायर होता है। 30 तक भी मैंने आपको बता दी कि कैसे आप याद रख सकते हो, उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। चलिए अब हम चलते हैं स्क्वेयर्स कैसे करना है। पहले मैं आपको कंडीशनल स्क्वेयरिंग ही सिखाऊंगा, कुछ कंडीशंस फुलफिल करते हुए आपको करनी है, बड़ी आसानी से करनी है। और ये तो ऐसा ट्रिक है जो इतना यूजफुल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये इसकी कैलकुलेशन हर बारी हमें करनी पड़ती है, बार बार करनी पड़ती है क्वेश्चंस के अंदर, तो ये बड़ा यूजफुल ट्रिक होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको कंडीशनल बताने वाला हूँ, क्या कंडीशन है। नंबर्स एंडिंग विद 5, नंबर्स एंडिंग विद 5, ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में 5 आता है उनकी स्क्वेयरिंग कैसे करनी है, जिनके लास्ट में 5 आता है। सबसे छोटे नंबर से मैं स्टार्ट करूंगा, 15 का स्क्वेयर करना है आपको। आपको करना क्या है, लास्ट में 5 है, पहले आपको 5 का स्क्वेयर करना है 25, फिर जो आपका ये वाला डिजिट है इसको आपने 1 इंक्रीज करके मल्टीप्लाई करना है। 1 में 1 इंक्रीज करोगे 2 आ जाएगा, फिर 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 आएगा, तो 225 आपका आंसर आ जाएगा। अभी एक दो क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है 25, पहले आपने 5 का स्क्वेयर किया, 25 आ गया, इसका स्क्वेयर करना है। इसको मैं ब्लू से मार्क कर देता हूं, इसका स्क्वेयर ये लिख दिया आपने 25। फिर आपको क्या करना है, इसमें 1 ऐड करना है, प्लस 1, ये 3 हो जाएगा, फिर 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना है आपस में, ये हो गया 6, तो आपका जो आंसर है वो 625 आ जाएगा। और नंबर देख लेते हैं, 35 का करते हैं, सेम वैसे ही, पहले आपको एक्सट्रीम राइट का स्क्वेयर करना है 5 का, वो तो 5 ही है तो हर बारी 25 ही आएगा, इसको 1 इंक्रीज कर दो, 3 को 1 इंक्रीज करेंगे 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, आंसर आ गया विद इन सेकेंड्स, यानी पलक झपकते ही आंसर आएगा, इतनी फास्ट ये टेक्निक है। नेक्स्ट 25, 4 को 1 इंक्रीज करो 5, 5 इंटू 4 20, 2025। नेक्स्ट 55, 3025, अभी मैं जल्दी जल्दी लिख दूंगा, ठीक है ये, ताकि आपको भी पता चल जाए कितनी जल्दी होता है ये। 4225, 25, 5625, 85, 7225, मतलब मेरे लिखने से पहले ये दिमाग में जो है कैलकुलेट हो जाता है। 95, 19025, फिर 105, 110, 25, फिर 115, 13225, फिर 125, 15625। तो जितना मर्जी आप इसको कैलकुलेट करते जाओ और कर लो, 135, 25, 1825 और कर लो, 145, 19525, सॉरी 21025, फिर 155। तो जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, लास्ट में अगर 5 है तो उसका स्केयर आप चुटकियों में निकाल सकते हो बहुत इजीली से। तो ये हमारी पर्टिकुलर टेक्निक थी जब हम जो है स्क्वेयर निकालना है ऐसे नंबर्स का जिनका लास्ट डिजिट 5 है। अभी आपको एक और कंडीशनल स्क्वेयरिंग सिखाता हूं, जिसमें क्या होगा, सारे 1-1 होंगे, जैसे 11 है, 11 की स्क्वेयरिंग करनी है आपको। आपने क्या करना है, डिजिट काउंट करने हैं, ब्रैकेट के अंदर कितने डिजिट हैं, 2, तो आपने 1 से स्टार्ट कर नेचुरल नंबर लिखने हैं, 1-2 लिख दिया, फिर रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, अब 2-1 लिखना है, 2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ, 1 लिख देना साथ में। अभी बड़े नंबर में आपको ये अच्छा समझ आएगा, 111, 3 डिजिट है,
थ्री डिजिट है, आपको लिखना है 1 2 3 और फिर रिवर्स ऑर्डर में 3 लिखा हुआ 2 1, इतना बड़ा स्केयर आपने विद इन सेकंड कर दिया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कह सकते हो विद इन सेकंड का मतलब। नेक्स्ट 4 4 3 2 1, 4 3 2 1, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, 1 2 3 4, वन टू थ्री फोर और फिर रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे 3 2 1, आंसर आ गया। और बड़े नंबर ले लेते हैं, 5 टाइम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, इतना बड़ा आंसर देखो आपने चुटकियों में निकाल दिया। नेक्स्ट और बड़ा नंबर ले लेते हैं, 6 कर देता हूं मैं इसको। चलो आयुष से पूछते हैं, आयुष बताइए इसका आंसर, आयुष से ही मैं बात कर सकता हूँ, इंटरेक्ट कर सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, वेरी गुड, 5 4 3 2 1, और कर लेते हैं 7 डिजिट का भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है जी। तो इस तरीके से मैंने आपको 2 कंडीशंस के स्क्वायर बता दिए, कैसे करना है आपको कि आपको वो वाले डिजिट का स्क्वायर जब जिनका एंडिंग 5 है, वो वाले डिजिट जिसमें सिर्फ 1 1 1 ही होते हैं। अभी मैं आपको 2 डिजिट का स्क्वायर बताऊंगा और कल की क्लास में हम जो है 3 जो नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को होगी, सॉरी मैंने कल बोल दिया, तो मंडे को हम जो है 3 डिजिट की स्क्वेयरिंग सीखेंगे। उससे आप 1 से लेकर 1000 तक किसी नंबर की भी स्क्वेयरिंग निकाल देना, इतनी यूजफुल ट्रिक है। पहले वो मैं मल्टीप्लिकेशन में सिखाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि मल्टीप्लिकेशन में आपको ऑलरेडी मैं 2-3 ट्रिक्स दे चुका हूँ, इसलिए वो स्क्वेयरिंग में देंगे। तो आप स्क्वेयरिंग और मल्टीप्लिकेशन दोनों को कंबाइन उसमें कर सकते हो। तो 2 डिजिट की अभी मैं आपको स्क्वेयरिंग सिखाने वाला हूँ, ये भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, बड़ी ईजी ट्रिक भी है। हाँ जी, पहले मैं लेता हूँ, थोड़ा बड़ा नंबर लूँगा, 13 ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने इसको ना 13। आपने क्या करना है, ऐसे 2 सेक्शन बना लेने हैं, एक लाइन बीच में खींच लेनी है, पहले 3 का स्क्वायर करना है और आपको हमेशा डबल डिजिट में लिखना है 09, फिर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा 01, फिर मैं क्या करूंगा ये डिजिट इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को 3 से किया 6, फिर मैं क्या करूंगा सॉरी 1 को 3 से किया मल्टीप्लाई 3, फिर मैं क्या करूंगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो पावर है वो आ जाएगा 6 6 से जब आगे आपका, तो आपने उसको यहां पे लिखना है, एक डिजिट यहां लिखना है, एक यहां लिखना है। अगर सिंगल डिजिट है तो ऐसे 06 लिखना है, अगर 2 डिजिट है तो यहां पे आपने जो है मान लो 16 आया था तो 16 लिखना था। अब आपने इनको ऐड करना है, जहां पे कुछ नहीं है वहां पे आपने इसको 0 ही कंसीडर करना है, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6 और यहां पे 1। एक बड़ा नंबर लेता हूं, उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। चलो पहले छोटी छोटी करते हैं, कंफ्यूज ना हो जाओ। हाँ जी, नेक्स्ट 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 1 का स्क्वायर करेंगे 01 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 4 4 4 into 2 8, 8 को यहां लिख दो, अब ऐड कर दो 96 और यहां पे 1 196 हमारा आंसर आ जाएगा। 15 का स्क्वायर करके देख लेते हैं, ऐसे वैसे 15 का आपको मैंने सिखा दिया शॉर्ट ट्रिक, ठीक है सबको पता है 225 आएगा, लेकिन इस मेथड से करके देखते हैं 25, 1 का स्क्वायर किया 1 और फिर आपने इनको मल्टीप्लाई करना है 1 into 5 5 5 into 2 10, यहां लिख देना है, अब ऐड करो 25 225, यही हमारा आंसर वहां पे भी आ रहा था। 16 का करके देखो तो ये बन जाएगा हमारा 36, बीच में लाइन लगाओ 01, 1 into 6 6 into 2 12, एक मिनट मैंने यहां मिस्टेक कर दी, 6 12 36 1, ठीक है जी 256। नेक्स्ट 17
यहां पे करेंगे 49, ये करेंगे 01, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा, ऐड करेंगे 289। कितनी आसानी से देखो निकल रहे हैं स्क्वेयर, जो मैंने आपको अभी बताया है उसको आप इस मेथड से निकाल सकते हो। वो मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया कि आपने याद कैसे करना है, लेकिन अगर आपने उनको करके देखना है तो ये देखो कितना यूजफुल ट्रिक है। आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा, 8 का स्क्वायर किया 64, 1 का किया 01 और इनको मल्टीप्लाई किया 16, और यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे आ गया 12। अब 1 कैरी करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दो ही डिजिट रखने हैं, 1 कैरी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 12 आ गया है, ये 1 कैरी इधर हो जाएगा। तो ऑलरेडी इधर कितना आ रहा है टोटल, 2 2 प्लस 1, ये बन जाएगा 324, 1 कैरी करना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, इसीलिए मैंने छोटे छोटे नंबर स्टार्ट कर दिए थे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ट्रिक भी पता चल जाए। 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 01, मल्टीप्लाई करेंगे 18, 1 16 आ गया। अब आप माइंड में भी कर सकते हो कैरी, 16 आ गया, इसको अंदर ले जाएंगे 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 361 आंसर। नेक्स्ट, आप ऐसे 20 का भी कर सकते हो, लेकिन 20 का मैं स्किप कर देता हूं, सभी को आता है। 21 स्क्वायर, अभी देखो 1 का स्क्वायर 01, 4 का स्क्वायर 04, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 04, ऐड करो 441। नेक्स्ट 22 का करके देख लेते हैं, 22, 2 का स्क्वायर किया 04, इधर वाले 2 का किया 04, ये आ गया 8, ऐसे लिख दिया और ऐड किया 484, आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब आप कहोगे सर छोटे छोटे नंबर लिखकर दिखा रहे हो, अभी बड़े लिख देता हूँ। 78 का स्क्वायर करना है आपको, मैंने बताया टू डिजिट नंबर में आप इसको कहीं पे भी अप्लाई कर लो। हाँ जी, 18 का स्क्वायर करेंगे 64, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 56 इंटू 2, 112 आ गया। आपको इधर वन सिंगल डिजिट ही लिखना है, ये याद रखना, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ऊपर वाले जितने क्वेश्चन सब में चेक कर लो, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। 112 आया तो 11 यहाँ पे लिखेंगे, अब इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 6084, आंसर आ गया आपका। कितनी आसानी से आंसर आ गया, 99 का स्क्वायर 81, इसका करेंगे 81, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे 81 इंटू 2, 162, 2 यहाँ लिखना है, 6 यहाँ पे लिखना है, 1 0, और 1 कैरी हो जाएगा क्योंकि 10 आ गया टोटल, ये हो गया 97 प्लस 1 98 9801, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है स्क्वेयर कर सकते हो, टू डिजिट का कोई और नंबर भी आप उठाओगे तो ऐसे ही करना है। अभी मैं कुछ और आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, मान लो 67 का स्क्वेयर करना है आपको, 49, 36, ये हो गया 13, 13 इनको 2 से मल्टीप्लाई किया 26, सॉरी मैंने मल्टीप्लीकेशन गलत कर दिया, 42, 14 टू 2 84 ऐड करना है आपको, ये हो जाएगा 89 और जाएगा 449, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और करके देख लो आप, 40s की लाइन में कर देते हैं, 46 का कर देते हैं, ये आ गया 36, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, मल्टीप्लाई करेंगे 24, 48, ऐड करेंगे 6, 11, 1 कैरी करना पड़ेगा, 2 1 1 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। तो जितने ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं, होप कि आप सब लोग इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस देखिए ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, लेकिन ये तभी आप इनको अप्लाई कर पाओगे जब तक इनको आप कुछ क्वेश्चंस को 10-10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस आपको जब एक बारी करने लग जाओगे, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी ट्रिक्स, फिर आप जो है आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, फिर आप किसी को भी सरप्राइज कर सकते हो अपनी कैलकुलेशन से, अपने टीचर को भी, अपने क्लासमेट्स को भी, अपने गली मोहल्ले के फ्रेंड्स को भी। ठीक है जी, तो होप कि आप लोग अच्छे से सीख रहे हैं। तो मंडे को हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे,
see you on Monday. Till then, goodbye.